सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, साथ साथ वैक्सीनेशन का भी, टीकाकरण का भी कार्य प्रारंभ हो गया है और आज प्रथम चरण के जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाने की जो प्रक्रिया है उसका आज दूसरा चरण चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर इस पूरी टीकाकरण की प्रक्रिया का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और ये निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जिनको कि आज लगना है, वैक्सीनेशन होना है, आज टीका लगना है, उन्हें समय से टीका लगाया जाए और सबका ध्यान रखा जाए और इसमें टीकाकरण में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। प्रदेश में अभी वैक्सीन उपलब्ध है तथा पहले चरण के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सबको टीका लगाने के पश्चात दूसरे चरण की फिर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। प्रथम चरण के लिए जितनी भी वैक्सीन की आवश्यकता थी वो समुचित वैक्सीन प्रदेश में उपलब्ध हो चुकी है तो स्वास्थ्य कर्मियों का ये प्रक्रिया, उनको टीकाकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। अगले सप्ताह से जैसा बताया गया है हर बृहस्पति और शुक्रवार को नियमित रूप से ये टीकाकरण की व्यवस्था होगी। प्रदेश में संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में कमी आई है, सामान्य गतिविधियां तेजी से चल रही हैं, उद्योगों में पूर्व की तरह सभी गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। लगभग 8,18,000 इकाइयाँ जिनमें कि 52 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वो चल रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, इस मिशन रोजगार में सरकारी नौकरियों के माध्यम से, निजी उद्योगों में नौकरियों के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार में युवाओं को अधिक से अधिक उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया था 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां, वो लगभग पूरा हो रहा है। इसके साथ साथ निजी उद्योगों में भी तेजी से जो उनका पुनर्संचालन हुआ है और तथा नए जो उद्योग प्रदेश में लग रहे हैं जो कि बैंकों से समन्वय करके उन्हें बैंकों से भी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 7,14,000 नई MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा 24,821 करोड़ रुपये के ऋण वितरण किए गए हैं। इनके अतिरिक्त आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत पूर्व से जो चल रही थी विद्यमान इकाइयाँ थी लगभग 4,37,000, इनको भी 11,100 करोड़ रुपये के ऋण बैंकों द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार बैंकों द्वारा इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 11.5 लाख से अधिक इकाइयों को 36,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं और इन नए उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों की सहायता से लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और ये प्रक्रिया को तेज़ी से चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन बाद फिर से एक बड़ा ऑनलाइन ऋण वितरण मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें भी प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक MSME इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रदेश में निवेशों के अवसर बढ़ने के साथ साथ, औद्योगिकरण बढ़ने के साथ साथ युवाओं को भी में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है, इस हेतु उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ऐसी योजनाएं जिनमें खाद बीज की उपलब्धता, आधुनिक संयंत्रों को उन्हें उपलब्ध कराना, इस बेहतर सिंचाई व्यवस्था के बारे में उनको अवगत कराना तथा उपज को बेहतर तरीके से, उपज का बेहतर उत्पादकता लेने के इरादे से उन्हें नई तकनीकों के बारे में जानकारी देना, ये पूरा एक अभियान किसान कल्याण मिशन के माध्यम से चलाया जा रहा है और प्रदेश के सभी 825 ब्लॉक में इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें कि प्रदेश के किसानों को नई तकनीक के बारे में, उन्हें उपलब्ध जो संयंत्र हैं प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान पर दिए जाने वाले संयंत्रों के बारे में तथा किसान क्रेडिट कार्ड, उनको जो बैंकों से जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसको शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ साथ
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उपलब्ध हो ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार कृत संकल्प है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर समीक्षा करते हैं और उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को, सभी आयुक्तों को और जिला स्तरीय अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से सभी धान क्रय केंद्रों का निरंतर अनुश्रवण निरीक्षण करते रहें ताकि कहीं पर भी किसी किसान को किसी प्रकार की समस्या ना आए। प्रदेश में वर्तमान वर्ष में 619.95 लाख, लगभग 620 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष